हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल डिप्लोमा वर्ल्ड। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको एक्यूटी के सीओपी के रिजल्ट के रिगार्डिंग अपडेट देने वाले हैं। तो वीडियो में एंड तक जरूर बने रहें। वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मेरी एक्यूटी के जितने भी छात्र जो हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, उस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लास्ट तक देखना ना भूलें। एक नोटिस, एक मैं आपको न्यूज़पेपर की कटिंग दिखाता हूँ। लिखा है, एक्यूटी कैरी ओवर परीक्षा का परिणाम अभी नहीं, 8 माह पूर्व हुई थी परीक्षा, विश्वविद्यालय में पटरी पर नहीं आ रही परीक्षा से जुड़ी गाड़ी। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम प्रारंभिक शिक्षा में परीक्षा विभाग की पटरी में उतरी गाड़ी संभलती नहीं दिख रही है। विश्वविद्यालय प्रशासन ने वैकल्पिक व्यवस्था का सेमेस्टर परीक्षा के परिणाम तो जारी कर लिए, लेकिन जनवरी 2023 में हुई कैरी ओवर परीक्षा के परिणाम अब तक नहीं घोषित किए हैं। इससे कई छात्रों की जॉब पर संकट आया है। विश्वविद्यालय में पिछले दिनों में हुई उथल पुथल का सर्वाधिक असर परीक्षा विभाग के कामों पर पड़ रहा है। विश्वविद्यालय में परीक्षा से जुड़ी और परीक्षा के बाद परिणाम तैयार करने वाली दोनों एजेंसियों का चयन 6 माह से ज़्यादा से अटका हुआ है। हालात ये हुए हैं कि अगर 2022 में हुई कैरियर परीक्षा का परिणाम हाल में लगभग 1 साल में जारी किया गया, इसे लेकर विद्यार्थी काफ़ी दिनों से परेशान भटक रहे थे। अगस्त 2022 के कैरियर के परिणाम जारी कर दिए गए हैं, विद्यार्थी इसे वन व्यू पर देख सकते हैं। इसी सप्ताह जनवरी 2022 में हुई कैरियर परीक्षा का परिणाम भी जारी कर दिया जाएगा। ये राजीव कुमार जो के परीक्षा नियंत्रक जो एग्ज़ाम कंट्रोलर हैं एकेडमी के, उन्होंने बताया। तो सीयूपी का जो बहुत सारे बच्चे जो वेट करते जिसने जनवरी में एग्ज़ाम दिया है कि भैया हमारा रिजल्ट कब आएगा, तो देखो आपका जो रिजल्ट है वो रिजल्ट आने में इसलिए मेन कारण है कि आपकी जो परीक्षा की जो एजेंसी होती है, एजेंसी का चयन अभी तक नहीं हो पाया है। जब एजेंसी का चयन होगा उसके कम से कम 10 से 15 दिन बाद ही आपका सीयूपी का रिजल्ट जारी किया जाएगा। मान के चलो आपका जो सीयूपी का रिजल्ट है वो सितंबर लास्ट या अक्टूबर फर्स्ट वीक में जारी किया जाएगा, उससे पहले जारी होने का कोई भी चांसेस नहीं दिख रहा है। तो वीडियो में एंड तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।